पावर और इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक बात बताओ, एक बारी जरा ध्यान से रिलैक्स होकर सोचो और मुझे एक बात बताओ, कैन यू थिंक योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? विल इट बी अ गुड वन, विल इट बी अ बैड वन, और विल इट बी डिजास्ट्रस इफ देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी? डिजास्टर सबसे पहले तो एसी बंद हो जाएंगे, आधी तो जान भाई निकल जाएगी हम लोगों की, ठीक है। दूसरी चीज, माय वाइफ इज गिविंग अ लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डाई, ठीक है। सेकंड, हमारे इंटरनेट बंद हो जाएंगे थोड़े टाइम में, वाईफाई बंद हो जाएंगे, वो फर्क आ जाएगा। थर्ड, थोड़े टाइम बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर एक आधे तो कहेंगे हम आत्महत्या ही कर लें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट डायरेक्टली सिग्निफाई मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज हमारे आसपास जो कुछ भी है तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक अच्छा है, इट इज ओनली व्हाट रन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर इट डायरेक्टली सिग्निफाइज मॉडर्न सिविलाइजेशन विद इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग एवरी डे, ठीक है। सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, अब हमारे देश में ये पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? तो इसके सोर्सेस हैं थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। कौन कौन से हैं? थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस। कौन कौन से बच्चों? पहला कौन सा है? पहला कौन सा? नोबडी वांट टू लर्न। थर्मल पावर, थर्मल, सेकंड हाइड्रो, हाइड्रो, थर्ड हाइड्रो, थर्ड न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्थ न्यूक्लियर, न्यू न्यू एंड एंड रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस। माइक को म्यूट करके जोर जोर से बोलो, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारी सोर्स ऑफ पावर जनरेशन, ओके। कौन कौन से हैं दोबारा से? थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस। थर्मल से आता है 67%, हाइड्रो से आता है 13.6%, न्यूक्लियर से आता है 2.1%, न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आता है 17.3%। मेन हमारा थर्मल से आता है, दैट इज कोल, कॉइल, नेचुरल गैस, हाइड्रो, वाटर मिल्स, वाटर डैम्स, स्मॉल रिवर्स, विंडमिल भी काइनेटिक भी इसी में गिन लेते हैं। न्यूक्लियर यानी कि यूरेनियम से जो आता है, उससे हम काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बट हम जनरली उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते नहीं, ठीक है, बट वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा जी, उसके बाद न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब सोलर एनर्जी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। अब चैलेंजेस इन पावर सेक्टर, हमारे पावर सेक्टर में क्या क्या दिक्कत है? सबसे पहली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। देखो जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है ना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें काफी सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्यू टू थेफ्ट, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मेंटेनेंस। एक बारी क्या हुआ, आई वॉज ट्रैवलिंग टू उदयपुर और आई वॉज ट्रैवलिंग थ्रू अ बस, तो मैंने क्या देखा कि मतलब मोटी मोटी वायर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही होती, जैसे हम कार्टून्स में देखते हैं, तो मुझे वैसी सी दिख रही थी, काफी देर तक दिखती रही मतलब रास्ते में। एंड आई वॉज कि ये कैसे हो रहा है, तो आई डिस्कस विद वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज इन इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट, तो उसने मुझे बताया कि वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही थी, तभी वो बाहर दिख रही थी, कि वायर्स जो थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो वरना तो दिखती नहीं है वो कभी, वो दिख रही थी मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही थी। कहता कि मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी उसका 20-30% लॉस हो जा रहा था। तो हमारे देश में दिक्कत, इनसफिशिएंट इंस्टॉल कैपेसिटी। पहले तो हमारी कैपेसिटी ही कम है, हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर ही नहीं सकते। ऑल्दो देयर एग्जिस्ट मैसिव प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट स्टिल प्रोडक्शन इज लेस देन डिमांड ड्यू टू डेफिसिट सप्लाई, पावर कट्स, लो वोल्टेज, एक्सेसिव लोड, ठीक है। हमारी सप्लाई कम, पावर कट्स हो रहे हैं क्योंकि हम उतना ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। अब अगला ड्रॉबैक जो है वो तो और ही बुरा है,
पहले तो कह रहे हैं कि जैसे कैपेसिटी होनी चाहिए जितनी, उससे कम कैपेसिटी है, फिर उस कम कैपेसिटी को भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे को जो उस कैपेसिटी को यूज करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वही नहीं अवेलेबल, लेबर ही नहीं अवेलेबल। तो 60% ऑफ कैपेसिटी हम यूज करते हैं, वरना हम 40% और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हम नहीं कर रहे। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, थर्मल सेक्टर का मेन रॉ मटेरियल कोल है, ठीक है, और अदर जो हमारे पास है नहीं, जो हमें इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, तो वो हमें लिमिटेड रहते हैं हमारे पास। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, जैसे देखो अब दिल्ली में तो सप्लाई करता है टाटा और रिलायंस, तो यहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी है, पर जहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जैसे दिल्ली में पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड है, ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पावर सप्लाई है करके कुछ MPPS, तो ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, ये लॉसेस में चलता है, इनके पास अपने आप फंड नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कर पाए। एंड सो दीज शॉर्टेजेस ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, थेफ्ट, फ्री पावर टू एग्रीकल्चर, ये वो रीजन है जिस वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉसेस में आ जाते हैं, और दे चार्ज एक्सटेंसिवली हाई, इवन स्टिल दे आर इन लॉसेस। दिल्ली में तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है, MP में बहुत महंगी है, इतना लूटते हैं, पर फिर भी इतनी चोरी चकारी है कि वो लोग तार डाल देते हैं। दिल्ली में भी होता था, जब दिल्ली विद्युत बोर्ड होता था ना, तो दिल्ली विद्युत बोर्ड के टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा होती थी कि लोग तार डाल देते थे, ठीक है, चोरी कर लेते थे इलेक्ट्रिसिटी की, बट अब ये चीजें जो है वो खत्म हो चुकी। लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, भैया देखो ड्यू टू हैवी टैक्सेस एंड मास पावर कट, पब्लिक डू नॉट कोऑपरेट विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब वही वो चोरी चकारियां करते हैं, बिल नहीं पे करते हैं, ठीक है, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लॉसेस होने लग जाते हैं। अब व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, हमें पता चल गया भैया चैलेंजेस हैं, कैसे? अब देखो बड़ी सही गेम, ट्रांसमिशन लॉसेस है, रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करो, स्टॉप थेफ्ट यूज करो। दिल्ली में ना कोई गलती से भी चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे फाइन लगाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं NDPL के ऑफिस में गया एक बारी टू डिस्कस समथिंग, बच्चों चलो एक मिनट रुको, मेजर्स टू ओवरकम चैलेंजेस, भैया हमने देखे चैलेंजेस क्या है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, तो खत्म कर दो इन्हें, बेटर टेक्नोलॉजी ले आओ, चोरी को पकड़ लो। मैं तुम्हें केस बता रहा था, आई वेंट टू NDPL, कुछ मेरा एक घर है जो यूज नहीं होता, तो मैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कराने के लिए गया था जनवरी में, फिर ये कोरोना वाली सिचुएशन आ गई, फरवरी में गया, तो एक बंदा बताओ मतलब गालियां दे रहा है NDPL को, एंड आई वाज लाइक भाई साहब क्या हुआ? कहते बस बड़े बेशरम है, मेरा बिल बना दिया 5 लाख रुपए का। आई वाज लाइक ओ, मैंने कहा क्यों बना दिया? कहते चेक करने आए, हमने बस तार डाल रखी थी बिजली की, तो कहते आपकी यूसेज ज्यादा होगी, 5 लाख का फाइन लगा दिया हमारा, बताओ। तो मैंने कहा वो तो आपने गलती करी है ना? कहते हाँ वो करी है, हम मान रहे हैं हमारी गलती है, और 5 लाख रुपए थोड़ी देंगे हम। मैं वाह, ये दिल्ली में ही हो सकता है, तुम गलती करके भी जो चौड़ सकते हैं ना, वो दिल्ली आई तो मेनली है। इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर, देखो जी मेन डेफिसिट इज ड्यू टू डिक्रीज प्लांट लोड फैक्टर, सो मेन टास्क इज इम्प्रूव एंड प्रॉपर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, इट विल इंक्रीज पावर जनरेशन, ठीक है। हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपना प्लांट लोड फैक्टर इंक्रीज करना। अभी हमारी हमने सेकंड पॉइंट पढ़ी थी कि हमारी कैपेसिटी कम, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, और अगला इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, तो प्लांट वही हो गया कि प्लांट लोड फैक्टर बढ़ाने का मतलब कि ज्यादा हम सप्लाई कर पाए, ट्रांसफर कर पाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, सप्लाई ऑफ इनपुट की कमी थी, सप्लाई ऑफ इनपुट बढ़ाएं, ठीक है। फिर दो जनरल पॉइंट आ गए कि CFL एंड LEDs यूज करें। CFL क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करते हैं, और LED लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये वन मार्कर क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से करें। इंकरेजिंग FDI एंड प्राइवेटाइजेशन, भैया जब आपको पता है आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सही से काम नहीं कर सकते, आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो। अब हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हमने देखा कि जब से NDPL ने टेक ओवर करा है, इन्वर्टर की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं पड़ती, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट टू देयर सप्लाई, क्या कहते हैं, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, दे आर देयर टू हैंडल द प्रॉब्लम, हेल्प अस। तो प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए, तो अपने आप ही जो सिचुएशन है वो
better. Okay.